दोस्तों स्कूटर चाहे कोई भी हो, मैक्सिमम लोगों को लगता है इसमें गियर होता ही नहीं है एंड ये बिना गियर के ऑटोमेटिक चलता है, लेकिन ये आधा सही है। ऑटोमेटिक चलने के लिए भी गियर यूज होता है एंड इस टाइप के गियर सिस्टम को बोला जाता है CVT और कुछ कंपनीज इसे IVT नाम भी देते हैं। आगे चल के DCT जैसे टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज होने वाला है। आसान भाषा में ऑटोमेटिक गियर सिस्टम। स्मूथ इस गियर सिस्टम से हमें पता ही नहीं चलता गियर कब चेंज हो गया है और ये गियर जितना स्मूथ चेंज होता है माइलेज उतना बेहतर होता है। इसीलिए हर 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद स्कूटर में गियर ऑयल चेंज करने की जरूरत होता है, लेकिन 20,000 किलोमीटर अगर ना चले देन हर 2 साल में इसे चेंज करने की रिकमेंडेशन होता है। इससे गियर सिस्टम में गियर ऑयल की विस्कोसिटी, आसान भाषा में चिपचिपापन, बेहतर रहता है और हमें मिलता है एक स्मूथ गियर सिस्टम। और ये काम आप आसानी से घर पे ही खुद से कर सकते हो। चैनल पे अगर नए हो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। दोस्तों मेरे पास है हीरो मोटोकॉप कंपनी की प्लेजर स्कूटर एंड मैं चेंज करने वाला हूँ इसकी गियर ऑयल को। ट्रांसमिशन सिस्टम यानी कि गियर सिस्टम को लुब्रिकेट करने के लिए 120 ml गियर ऑयल की जरूरत होता है और अगर आप गियर ऑयल को चेंज कर रहे हो देन 100 ml डालना होता है एज पर द मैनुअल बुक। नीचे की इस बोल्ट को बोला जाता है ड्रेन बोल्ट एंड ऊपर की इस बोल्ट को बोला जाता है ऑयल फिलर बोल्ट। सबसे पहले 12 नंबर के स्पैनर से इन दोनों बोल्टों को लूज कर लेना है। नीचे की इस बोल्ट को निकालने से आप देख सकते हो गियर ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है। हमें ऐसे ही 10 मिनट तक छोड़ देना है। अभी ऑयल कम्प्लीटली ड्रेन होने के लिए स्कूटर को थोड़ा सा टिल्ट करने से बचा खुचा जो गियर ऑयल है वो आसानी से निकल जाएगा। मैं बजट फ्रेंडली यामा लूप गियर ऑयल का यूज कर रहा हूँ जो स्कूटर के लिए ही स्पेशली बना हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो इसका प्राइस चेक कर सकते हो। दोस्तों पहले नीचे की जो ड्रेन बोल्ट है उसे हम लोग टाइट कर लेते हैं। एंड गियर ऑयल को इसमें डालना है। मैं एक ट्रांसपेरेंट पाइप का यूज कर रहा हूँ ताकि आप देख सको गियर ऑयल अंदर जा रहा है या नहीं। फाइनली कंप्लीटली 100 ml गियर ऑयल को डालने के बाद ऑयल फिलर बोल्ट को भी हमें टाइट कर लेना है। एंड गियर ऑयल रिप्लेसमेंट का प्रोसेस होता है कंप्लीट। दोस्तों अभी फिर से 2 साल के लिए 20,000 किलोमीटर रनिंग पे आप एक स्मूथ गियर शिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करके अपने बिलावित दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग यूटोपियन।